हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक फूड्स बाय शशि। आज हम बनाने वाले हैं बिल्कुल ही नया नाश्ता, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, बड़े बच्चों सबको पसंद आने वाला है, बहुत ही कम तेल में बन के तैयार होगा और इसको बनाने का जो तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। तो पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, एंड में आपको एक बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी नाश्ता मिलने वाला है। और बनाना इसको इतना आसान है कि क्या ही कहने, और जो इसका रिज़ल्ट आता है ना वो इतना औसम होता है कि जो भी इसको देखेगा ज़रूर पूछेगा कैसे बनाया, कैसे बनाया। तो चलिए इस आसान सी और बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहला काम हमें करना है कि हमें ले लेनी है एक कढ़ाई और उसमें डालना है 2 चम्मच तेल। बहुत थोड़ा सा तेल डालना है कि हमारा तड़का सिर्फ इसमें तड़क जाए। तो तड़के में हम डालेंगे इसमें करी लीव, जो कि सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो इसको थोड़ा सा आप क्रश कर लीजिएगा, हाथ से ही तोड़ लीजिएगा। हरी मिर्च डाल देते हैं इसमें और डालेंगे राई। राई को कभी भी पहले ना डालें तेल में, नहीं तो वो छटक के बाहर आने लग जाती है। और ये तीनों चीज़ों को डालने के बाद इसमें हम थोड़ी सी डाल देते हैं काली मिर्च, जो कि हमारे नाश्ते को थोड़ा सा चटपटा फ्लेवर देगी। और 1 कप पानी इसमें हमें ऐड कर देना है। देखा आपने, शुरुआत ही इसकी कितनी नई हुई है, इस तरीके का नाश्ता आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल देते हैं और थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे कलर के लिए, और बहुत थोड़ी सी लाल मिर्च डाल रहे हैं, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और जब इसमें बॉयल आने लग जाएगा तो इसमें हम बाकी की चीज़ों को ऐड करेंगे। ये है आलू, इसको हमने कच्चे आलू है, इनको हमने क्रश करके रख लिया है पहले से वॉश करके। अब इसमें हम कुछ चीज़ें मिला लेते हैं, वेजिटेबल्स को ही ऐड करना है। तो इसमें हम ऐड कर रहे हैं हरी शिमला मिर्च, आप चाहें तो लाल और पीली भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ थोड़े से पुदीना के पत्ते ऐड करेंगे, थोड़े से धनिया के पत्ते ऐड करेंगे, और इसमें ऐड करेंगे हम थोड़े से भीगे हुए साबूदाने। और जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है वो है पोहा। तो पोहे को हमने धुल के रख दिया था पहले, तो फूल गया है वो, अब उसको हम इसमें ऐड कर देंगे और इन सारी चीज़ों को आपस में मिक्स कर लेते हैं। और फिर चलेंगे इनको लेकर के हम कढ़ाई की तरफ, और जो हमारा बॉइलिंग स्टेज वाला वाटर है उसमें हम इसको डाल देंगे और इसको बहुत अच्छे से हमें 2 से 3 मिनट तक आपस में मिक्स करते हुए चला लेना है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही नई और हेल्दी रेसिपीज़ लेकर के मैं हमेशा अपने चैनल पर आती रहती हूँ। तो मिक्स कर लेंगे इनको हम अच्छे से। देख रहे हैं इसमें हल्दी का कलर आ रहा है, अगर आप हल्दी नहीं डालना चाहते हैं तो ये ऑप्शनल है आपके लिए, लेकिन डालेंगे तो अच्छा लगेगा, थोड़ा कलर आ जाता है हल्दी का और नाश्ते में हमारे बढ़िया से कलर आ जाता है, क्योंकि हम इसमें कोई मसाला ऐड नहीं कर रहे हैं, हम बहुत ही सिंपल बना रहे हैं। तो सिंपल में ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगती है। तो देखिए हम इसको मिक्स करते जाएंगे, जैसे ही थोड़ा थोड़ा आलू हमारा पकने लग जाएगा, पोहा हमारा अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगा, तो ये एक ठीक हलवे के रूप में आ जाता है। तो देखिए इसको हमें 3 से 4 मिनट ऐसे सिर्फ पकाया है और ये अब हलवे के फॉर्म में आ चुका है। अब क्या करेंगे, इसको गर्मा गर्म ही हम एक ऑयल से ग्रीस की हुई थाली में सेट कर देंगे। तो देखिए एक थाली ले ली है हमने, उसमें बहुत थोड़ा सा तेल डाल के उसको हम पहले ब्रश की हेल्प से पूरी थाली में फैला लेते हैं। इससे क्या होगा, हमारा नाश्ता जो है वो आसानी से थाली को छोड़ देगा, निकल आएगा। अगर आप ऑयल नहीं लगाना चाहते तो आप बटर पेपर या फिर सिल्वर फॉयल का भी यूज़ कर सकते हैं। अब गर्मा गर्म नाश्ते को अपने हम इस थाली में अच्छे से बिछा लेंगे, ठंडा नहीं होने देना है, नहीं तो फिर ये बढ़िया शेप में नहीं आएगा। तो इसलिए गर्मा गर्म ही इसको हम थाली में बिछा देंगे, और उसके बाद जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा 10-15 मिनट के बाद, फिर हम इसको अपने मन मुताबिक पीसेस में काट लेंगे, जैसा आपको नाश्ता पसंद हो। तो इसको हम रख देते हैं ठंडा होने के लिए। 10 मिनट हो चुका है और ये अब ठंडा हो चुका है। तो देखिए चाकू की हेल्प से हम इसको कट कर दे रहे हैं, ये बिल्कुल सॉफ्ट है, अभी कड़ा नहीं हुआ है, लेकिन हाँ ये पीसेस कटने के लिए थोड़ा जमने वाली कंसिस्टेंसी में आ चुका है। आज मैं इसको स्क्वायर पीसेस में कट कर रही हूँ, आप चाहें तो बर्फ़ी के शेप में कट कर सकते हैं, मतलब जो डायमंड शेप होता है, या फिर अगर आप चाहें तो इसको जमाने की बजाय आप कटलेट का शेप या टिकिए का शेप दे करके भी इस नाश्ते को बना सकते हैं। तो देखिए मैंने इसको रेडी कर लिया है, ऐसे ही मैं सारे पीसेस को काट काट के निकाल लूँगी। और उसके बाद चलते हैं हम ऑयल की तरफ। तो हमने ऑयल को मीडियम गर्म किया है,
बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है क्योंकि हमने आलू को कच्चा लिया था और आलू हमारे अभी आधा ही पके हैं, तो हमें आलू को पूरा बढ़िया से पकाना है, क्रिस्पी करना है और हमारा नाश्ता बाहर से क्रिस्पी और अंदर से काफ़ी सॉफ्ट बन के तैयार होगा। तो एक बैच को फ्राई करने में हमें 4 से 5 मिनट लग सकते हैं, थोड़ा पेशेंस रखिएगा ताकि बढ़िया नाश्ता आपका बन करके रेडी हो। बनाना तो इसको बहुत ही आसान है, आप सभी लोगों ने देखा होगा, इसमें कोई भी ऐसी टेक्निकल चीज़ नहीं है जो कोई नहीं कर सकता, सभी लोग इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो सारे के सारे पीसेस को हम बना लेंगे और आपने देखा कितने थोड़े से मटेरियल में हमारा कितना ज़्यादा नाश्ता बन करके तैयार हुआ है। तो देखिए कितना बढ़िया है, बाहर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट। अब हम इसको सर्व करते हैं, सभी लोग खाएंगे। आप भी अपने घर में बनाइए, खाइए और इन्जॉय करिए। और ये मैंने फ्राई करके बताया था ये तरीका, एक और तरीका मैं आपको बताती हूँ कि इसको आप सेक के भी बना सकते हैं अगर आप डीप फ्राई नहीं करना चाहते। तो सेकने के लिए मैं घी का यूज़ कर रही हूँ जो कि हेल्दी होगा आपके लिए। तो घी हल्का सा डाल लीजिए किसी पैन पे और उसके बाद अपने पीसेस को उस पर डाल करके आप इसको उलट पलट के फ्राई कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए हमें इसे लेड लगानी पड़ेगी क्योंकि हमारा जो नाश्ता है अभी पूरी तरह से पका नहीं है और खुले खुले में ये हो सकता है अंदर से थोड़ा बहुत कच्चा रह जाए। तो आप इसको लेड लगा करके, मतलब ढक्कन लगा के ढक देंगे और इसको हम पका लेंगे। तो इसको भी बढ़िया से पकने में 3 से 4 मिनट लग जाएंगे। दोनों साइड से इसको उलट पलट के टिकिया कितना बढ़िया सेक लेंगे और हमारा नाश्ता रेडी हो जाएगा। मैं आप लोगों को याद दिला दूँगा फ्रेंड्स, नीचे एक लाइक का बटन दिया हुआ है, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने जानने वालों में जितना हो सके मेरी रेसिपी को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस रेसिपी को बना के खा सके, इन्जॉय कर सके। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और हमारा नाश्ता मुझे लगता है बन चुका है। तो चलिए एक बार इसको खोल के उलट पलट के देख लेते हैं। दो तरीके मैंने आज आपको बताए हैं, दोनों में से जो भी तरीका आपको अच्छा लगे, जो आपको कन्वीनियंट लगे, उस तरह से आप इस नाश्ते को बना के ज़रूर खाइएगा। फ्राई करके भी खा सकते हैं और सेक के भी खा सकते हैं। तो हो चुका है हमारा नाश्ता रेडी। अब इसमें साइड में थोड़ा थोड़ा घी बचा हुआ है, इसको हम फेंकेंगे नहीं, वेस्ट नहीं करेंगे। तो उसमें हम अपने ब्रेड के स्लाइसेस को सेक लेते हैं और इस नाश्ते के साथ उसको हम खाएंगे, एंजॉय करेंगे। तो बस ढक के बढ़िया से अपने ब्रेड को भी सेक लेते हैं। तो चलिए हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है, दो तरीके से बताइए, तुरंत इसके खाइए और एंजॉय करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ, कुछ नई रेसिपीज लेकर के आऊँगी, कुछ यूनिक रेसिपी लेके आऊँगी। तो वो सारी यूनिक रेसिपीज़ देखने के लिए एक बार आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा जो कि बिल्कुल ही फ्री है, कोई भी कॉस्ट नहीं है। आप जितना चाहें उतना इसको शेयर कर सकते हैं, शेयरिंग भी फ्री है, सब्सक्राइबिंग भी फ्री है। तो जो चाहें आप करिए, मेरी रेसिपी को देखिए, एंजॉय करिए, बनाइए, खाइए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। इस नाश्ते को आप ब्रेड के बीच में बर्गर की तरह खा सकते हैं, लगा करके, चटनी लगा के, सॉस लगा के। 2-3 तरीके जो सबसे आसान और सबसे इंटरेस्टिंग है वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। थैंक यू सो मच।